जय मिथिला जय मैथिली। आज मिथिला राज्य ले यात्रा निकल रही है। बहुत नीक बात कहलत राजेश भैया कि मिथिला राज्य चाही, मिथिला राज्य लेल चाही कि यह कर्पूरी चौक पर देखियो इस साइड के इतने एम्स बने वाला छे और 6 साल का एम्स नहीं बन रही है। अगर आई हमरा सबके मिथिला राज्य मिल गए तो हमरा सबके चिल्ले नहीं पड़त, गोर नहीं लागे पड़त, हाथ नहीं जोड़े पड़त। आई हम सब एम्सो बना लेने रहता, IIT से बना लेने रहता, IIM से बना लेने रहता, एगो बड़का राजधानी से बना लेने रहती है। एगो दरभंगा एयरपोर्ट खुलल, गौर से सुनवाई, एगो दरभंगा एयरपोर्ट खुलल तो पटना के 1000 टैक्सी ड्राइवर बेरोजगार भ गए, अपन मिथिला के 1000 टैक्सी ड्राइवर के रोजगार मिल गए। के की मतलब छे? के मतलब छे कि मिथिला राज्य बन जेतै तो मिथिला के लाखों लोग के रोजगार मिलता है, पटना के लाखों लोग बेरोजगार भ जेतै, गया के लाखों लोग बेरोजगार भ जेतै, मगध के लाखों लोग बेरोजगार भ जेतै। अइले बिहार सरकार जान बुझ कर हमरा अहाँ के मिथिला राज्य नहीं दे रहा है, और हमरा अहाँ के बीच जतेक हमर विधायक है, जतेक MLA है, जतेक MP है, सब जयचंद है। कहल गेल छै कि हर बार पराजय पाई है अपने घर को घर के जयचंदो से, ई सब जयचंद है। ई सब सत्ता में बैस गए हमरा अहाँ के जाति पाति के नाम पर तोड़ में लागल है। एकरा सबके रोजगार मिल गए, एकरा सबके लाख रुपया सैलरी मिले, लेकिन हमर अहाँ के हर घर से लोग पलायन करे। हम तो बार बार कहे छे।